नमस्ते दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुएटर लॉकिंग एंड रीजेनरेटिव सर्किट। ये एक इंडस्ट्रियल बेस्ड सर्किट एक हम लोग लिए हैं आज की इंडस्ट्रियल बेस्ड सर्किट, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कैसे ये काम कर रहा है, कैसे रीजेनरेटिव मतलब क्या है, ये लॉकिंग मतलब क्या है, जो एक्चुएटर है आपका कैसे लॉक हो रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो हम लोग हाइड्रोलिक ड्राइंग और सर्किट बनाते हैं और समझाते हैं आपको, इसके लिए तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। मतलब बैठ बैठ के सारा ड्राइंग करना पड़ता है, सारा डिटेल बताना पड़ता है। बट आप जब ये वीडियो देखते हैं और लाइक और शेयर नहीं करते हैं कि कुछ कमेंट नहीं देते हैं तो बहुत दुख लगता है। और ये जो अंदर का जो मनोबल है मतलब वीडियो बनाने का, वो टूट जाता है। तो इसलिए आपको अगर ड्राइंग देखते हैं मतलब अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और देखते हैं तो कमेंट मोस्ट कीजिए, क्योंकि ये आप कमेंट करेंगे तो जो है मैं उसका रिप्लाई दूंगा और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा कोशिश है। अगर लाइक शेयर करेंगे और कमेंट देंगे तो थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा। ओके, दोस्तों ये एक इंडस्ट्रियल बेस्ड सर्किट है, जैसे एक्चुएटर लॉकिंग एंड रीजेनरेटिव सर्किट। तो ये जो एक्चुएटर है, मान लीजिए हम लोग ये सिलेंडर यूज़ करते हैं, कहीं भी मोटर यूज़ करते हैं, हम लोग को बहुत हैवी चीज़ लिफ्ट करना पड़ता है, किसी को पुल करना पड़ता है, किसी को पुश करना पड़ता है, किसी को पुल करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को बहुत प्रेशर डाल के मतलब बहुत प्रेशर दे के उसको मूव करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मान लीजिए उसी कंडीशन में कुछ कहीं फेलोर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसके लिए हम लोग ये लॉकिंग सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, आज आपको दिखाऊंगा ये लॉकिंग सर्किट। और रीजेनरेटिव सर्किट क्या है, मतलब मान लीजिए मेरा सिलेंडर को ये मूवमेंट हो रहा है, मेरे को थोड़ा रैपिडली मूवमेंट चाहिए फॉरवर्ड और धीरे से मूवमेंट चाहिए रिवर्स, उस कंडीशन में हम लोग रीजेनरेटिव यूज़ करते हैं। मतलब ये जो रोड साइड का ऑयल है आके फिर से पिस्टन साइड में घुस जाएगा, तो उसको रीजेनरेटिव सर्किट बोलते हैं। और लॉकिंग सर्किट क्या, दोनों जो लाइन है सर्विस पोर्ट ए और सर्विस पोर्ट बी, हम दोनों लाइन को ब्लॉक कर देंगे। अगर ब्लॉक कर देते हैं तो सिलेंडर लॉक हो जाता है, लॉक हो जाएगा तो जो भी इधर का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई लाइन और कोई होस फटता है, कुछ फेलोर होता है, तब ये क्या है, सिलेंडर ओपन नहीं होगा कि क्लोज नहीं होगा। मान लीजिए कोई हैवी वेट को लिफ्ट करके रखा है, अगर कोई होस फट जाता है उस कंडीशन में ये मतलब एक्सीडेंट कुछ नहीं होगा। ओके, उसके लिए हम लोग लॉकिंग सर्किट यूज़ करते हैं। टॉपिक में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा है। एक नंबर में आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर, दो नंबर में आपका फ्लो कंट्रोल विथ फ्री फ्लो चेक वाल्व, ये दो नंबर, और तीन नंबर में आपका मिनीमैक्स कपलिंग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन में मतलब मिनीमैक्स होस लगा के और प्रेशर गज लगा के लाइन का प्रेशर चेक कर सकते हैं। और चार नंबर में आ गया प्रेशर स्विच, ये जो दिया है प्रेशर स्विच, और पाँच नंबर में आपका हो गया प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये एक और ये एक, और छः नंबर में हो गया प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये वाला, और सात नंबर में हो गया आपका डीसी वाल्व, ये एक डीसी वाल्व। एक को हम लोग को पायलट लाइन को ऑपरेट करने के लिए एक डीसी वाल्व लगाए हैं, और मेन लाइन को ऑपरेट करने के लिए एक डीसी वाल्व लगाए हैं। ये आठ नंबर में हो गया आपका फिल्टर विथ चेक वाल्व, ये हो गया। नौ नंबर में आपका हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, दस नंबर में हो गया आपका रिजर्वेयर और ऑयल टैंक, ग्यारह नंबर में हो गया आपका पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, बारह नंबर में हो गया आपका फ्री फ्लो चेक वाल्व, ये वाला, और तेरह नंबर में हो गया हाइड्रोलिक पंप। तो ये हो गया आपका इतना सारा जो पार्ट्स लगा है, मतलब वाल्व लगा है और ये सर्किट में ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट लगा है। दोस्तों हम लोग अभी ये एक्चुएटर को फॉरवर्ड में ऑपरेट करेंगे। फॉरवर्ड में ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से इन होगा और यहाँ से जो रोड साइड से आउट होगा।
ठीक है। इसके लिए हम लोग को एसओबी टू और एसओबी फोर ये दोनों को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले एसओबी फोर और एसओबी टू को ऑपरेट करेंगे। इसी ऑपरेट करेंगे तो हम लोग का जो सिलेंडर है वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, मोटर स्टार्ट करेंगे। मोटर स्टार्ट करने के बाद हम लोग का पंप स्टार्ट हो जाएगा। पंप स्टार्ट हो जाएगा तो ये डीसी वाल्व जो है ब्लॉक है, मतलब ये आपका पी, ये टी और ये ए, ये बी। इसी तरह पी टी ए बी, तो ये क्या होगा, अभी मोटर स्टार्ट करेंगे तो पंप स्टार्ट हो जाएगा। पंप स्टार्ट हो जाएगा तो ऑयल ऊपर जाने लगेगा। तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन में कनेक्ट है, जिसके वजह से वो ब्लॉक होने की वजह से जा नहीं पाएगा। तो ये रिलीफ वाल्व, पायलट रिलीफ वाल्व ऑपरेट होके यहाँ से वो ऑयल इधर से होते हुए फिल्टर होते हुए वो रिजर्वर में आ जाएगा। समझ गए ना, ये पंप यहाँ से उठा, ब्लॉक की वजह से जा नहीं पाएगा, तो ये आके ये पायलट लाइन ऑपरेट करेगा, ये रिलीफ वाल्व ऑपरेट होके यहाँ से होते हुए रिलीफ फिल्टर होते हुए वो रिजर्वर में जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग एसओबी फोर और एसओबी टू को ऑपरेट करेंगे तब तुरंत कौन सा पोजीशन आ जाएगा, ये वाला जो पोजीशन है बीच में आ जाएगा, इसका ये वाला पोजीशन जो है बीच में आ जाएगा। तब क्या होगा, ये वाला पोजीशन बीच में आ जाएगा तो यहाँ से ऑयल जाने लगेगा पी टू ए जाके यहाँ से आते हुए ये दो नंबर वाल्व के पास आएगा। दो नंबर वाल्व चेक वाल्व है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाएगा। ये कंट्रोल होते हुए, ये जो फ्लो कंट्रोल है ये कंट्रोल होते हुए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू, क्योंकि इधर से चेक वाल्व है जा नहीं पाएगा, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू होते हुए ये चेक वाल्व को, फ्री फ्लो चेक वाल्व को क्रैक करके ये जाके अंदर घुस जाएगा। अंदर घुस गया। यहाँ का ऑयल अभी निकलना चालू करेगा, पहले क्या करेगा, इधर से आएगा, फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल से होते हुए ये चेक वाल्व से जा नहीं पाएगा, ये दो नंबर वाल्व होते हुए फ्लो कंट्रोल से होते हुए ये आएगा 12 नंबर चेक वाल्व को। ये 12 नंबर चेक वाल्व जो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से जा नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न होना चालू करेगा, मतलब यहाँ से ब्लॉक हो गया। तो ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व का, ये जो वाल्व हम लोग ऑपरेट किए थे एसओबी टू, तो ये क्या करेगा, ये पी टू ए होके ये सीधा जाएगा, ये जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है ये पायलट लाइन आके वो चेक वाल्व को क्रैक करेगा। क्रैक करते ही ये जो ऑयल है, यहाँ से ऑयल निकला कंट्रोल होते हुए, इधर से पायलट ऑपरेट चेक वाल्व क्रैक हुआ तो यहाँ से सीधा ऑयल आया, आके ये चेक वाल्व है इधर से जा नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, फिर जाके पिस्टन साइड में घुस जाएगा। तो देखिए अभी साइकिल क्या हुआ, ये तो सारा जितना भी रोड साइड का ऑयल है वो आके पिस्टन साइड में घुसा और यहाँ से तो ये जा रहा था। ठीक है, हम लोग अभी क्या किए हैं, एसओबी फोर एसओबी टू को ऑपरेट किए हैं। एक एसओबी टू जो है वो पायलट लाइन को ऑपरेट करने के लिए, और एसओबी ये जो डीसी वाल्व है 7 नंबर डीसी वाल्व एसओबी फोर ऑपरेट किए हैं वो मेन लाइन, मतलब ह्यूज अमाउंट फ्लो देने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग सिलेंडर को क्या करेंगे, रिवर्स में ऑपरेट करेंगे, रिवर्स। तो उस कंडीशन में हम लोग एसओबी थ्री और एसओबी वन को ऑपरेट करेंगे। ये दोनों एसओबी वन, ये पायलट लाइन जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है उसको क्रैक करने के लिए ये, और एसओबी थ्री जो है मतलब मेन फ्लो देने के लिए, मेन डीसी वाल्व ऑपरेट करेंगे तो ये ज़्यादा फ्लो जाएगा और ये रिवर्स होगा। फॉरवर्ड में जब हम लोग रीजनरेटिव सर्किट हो रहा था उस कंडीशन में हम लोग का सिलेंडर रिपीडली मूवमेंट हो रहा था, स्पीड में मूवमेंट हो रहा था, ये रिटर्न होगा धीरे धीरे, मतलब रिवर्स होगा धीरे धीरे। हम लोग अभी क्या करेंगे, एसओबी वन और एसओबी थ्री को ऑपरेट करेंगे। अभी हम लोग का पंप मोटर चल रहा है तो ये रिजर्वर से ऑयल सॉक करके ये रिलीफ वाल्व के थ्रू होते हुए यहाँ से फिल्टर होते हुए रिजर्वर में जा रहा है।
अभी जब हम लोग ये दोनों SOB को ऑपरेट करेंगे तो तुरंत क्या होगा, पंप का जो ऑयल है वो P2B में जाएगा, P2B में जाएगा, इधर क्या होगा उसी तरह P2B में जाएगा। तो ये पहले देखते हैं P2B यहाँ से होते हुए जाएगा, कहाँ से होते हुए, ये चेक वाल्व को क्रैक करेगा, क्रैक करके यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, ये चेक वाल्व से होते हुए वो जाके रोड साइड में घुस जाएगा। यहाँ का जो ऑयल है, जो रोड पिस्टन साइड का ऑयल है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ड्यू टू चेक वाल्व, ये जा नहीं पाएगा। उस कंडीशन में हम लोग ये जो SOB1 को ऑपरेट किए हैं, SOB1 ये P2B जा रहा है, ये वाला जाएगा इधर से, ये जाएगा इधर से ऑयल, ये जाके ये पायलट लाइन को, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व जो 11 नंबर है उसको क्रैक करेगा। क्रैक करते ही यहाँ का जो ऑयल है इधर से होते हुए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के, ये जो चेक वाल्व के थ्रू होते हुए इधर से चेक वाल्व के थ्रू उधर से भी आएगा, ये भी ओपन है ना, इधर से भी आएगा, तो जहाँ उसको पूरा फ्री फ्लो मिलेगा उधर से भी आएगा। तो ये चेक वाल्व से होते हुए जाके ये A2T में होके इधर से होते हुए फिल्टर होते हुए रिजर्वर में आ जाएगा, समझ गए ना। और ये जो पायलट लाइन को, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व को क्रैक करेगा, क्रैक करते ही यहाँ का ऑयल जो है इधर से होते हुए ये जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है, क्रैक होने के बाद यहाँ का जो पायलट लाइन का जो ऑयल है इधर से होते हुए वो आके ये ड्रेन लाइन में लगेगा, इधर से होते हुए फिल्टर होते हुए रिजर्वर में आएगा, ये आपका रिवर्स में। तो ये लॉकिंग कैसे होता है, मान लीजिए ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व एक है और ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व एक है। मान लीजिए अभी हम लोग का यहाँ से पीछे का ये एक ब्लॉक है जो कि वो सिलेंडर के साथ माउंटिंग है, इसलिए हम लोग बहुत सारा वाल्व है, ये मैनिफोल्ड ब्लॉक है, बहुत सारा वाल्व है, इसलिए हम लोग एक ही ब्लॉक में दे दिए और ये को सेंटर लाइन वाला जो लाइन है उसी से मार्क किए हैं, ये सिलेंडर के साथ माउंटिंग किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ से होस फट गया तो हम लोग का सिलेंडर जो है वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है और ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है, ये चेक वाल्व है, ये सारा क्या है, पूरा ब्लॉक है। तो इसीलिए इसको लॉकिंग सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर फुल्ली लॉक है, मतलब कुछ भी होस पड़ता है, लाइन डैमेज होता है, कुछ भी होता है, मतलब कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, होस हमारा जो सिलेंडर है वो फेलोर नहीं होगा। ओके?